पर जिस वेले मेरी मां पैसे पिंड वाले के लव नाल पिंड की जमीन लाल हो रही थी ते तां क्यों नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक सानी ते तुसी देख रहे हो मेरा YouTube चैनल रेबर एंटरटेनमेंट प्लस। सुल्तान राय दी एक अच्छी फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर हो रहा हां। और यह फिल्म पहले यूट्यूब ते मौजूद सी, कुछ अरसे वास्ते फिल्म नू यूट्यूब तों हटा दिता गया सी, लेकिन हफ्ता 10 दिन पहले दोबारा इस वीडियो नू अपलोड किया गया है। बड़ी ही जबरदस्त फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर हो रहे हैं और इस फिल्म का नाँ है बुलंदा। 10 जनवरी 1992 बरोज जमा रिलीज़ होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म। और इस फिल्म का जो टाइटल रोल अदाकार सुल्तान राय ने अदा किया है, ये अपने दौर की एवरेज फिल्म सी। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर जफर शबाब, वो हमेशा जो ना उर्दू फिल्म बनाते सन, वह हमेशा उर्दू फिल्म बनाते सन, लेकिन चूंकि उस वक्त उर्दू फिल्म जवाल पजीर सन, तो इस वास्ते पंजाबी फिल्मों का दौर दौरा सी। सुल्तान राय दी फिल्म हिट हो रही सन, तो मजबूरन उन्होंने फिल्म बुलंदा बुलाई। और इस फिल्म के अदाकार सुल्तान राय, मैं अंजुमन, सावन, सारे विंग चबना कढ़ा दिता है, बहार, पिछली दी कड़क नाल दिल कर, शफकत चीमा, साथिया करो, अनवर खान, पता ना लगा, गुलाम मुहिउद्दीन, जाओ जाके अपनी जमीन नो जाड़ो, शहदा मिनी, ए झूठ नहीं, तारिक शाह, तेरे लाइन हाजिर करना, अनवर खान। इस सिंध की जड़ी कहानी है बहुत अच्छी, तुसी नहीं कह सकते हो ना बहुत बुरी कह सकते हो, क्योंकि उस दौर विच ऐसी फिल्मां चल रही सन। और एक बुलंदा जिहड़ा किरदार है वह भी जुल्म के खिलाफ उड़दा है, और सुल्तान राय ने बुलंदे का किरदार अदा किया है। और बुलंदा इंतकाम कदों बनता है, जदों उसकी भैन ते उसकी मां नू, मां का किरदार जिहड़ा ना अदाकार नीयर सुल्ताना ने अदा किया है, और भैन का जिहड़ा किरदार है एक नवी कुड़ी ने अदा किया सी। और उस वक्त बुलंदा इंतकाम बनता है जब शोका डाकू, जिसका किरदार अदाकार शफकत चीमा ने अदा किया, वो पिंड से हमला करता है और वो पिंड के मास्टर नू मार देता है। मास्टर का किरदार अदाकार नसरुल्ला भट्ट ने अदा किया है, और मुख्तसर जा काम सी नसरुल्ला भट्ट का। और शोका जिहड़ा आंदा है और शिकरे का भरा आंदा है, शिकरा भी डाकू आंदा है, और एक किरदार अदाकार अनवर खान ने अदा किया है, और बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही बेहतरीन किरदार उसने अदा किया है। और जदों वो पिंड ते हमला करता है शोका, तो बुलंदा आके उसे कतल कर देता है। जदों लाश शिकरे को जाती है उसे बहुत सख्त गुस्सा आता है, और जो बुलंदा आता है वह अपनी जिहड़ी भैन उसका जेल लैण वास्ते वह शहर गया होता है। शिकरा आता है और पिंड ते हमला कर देता है, और हमला करके इस हमले के दौरान वह बुलंदे की माँ ते भैन नू कतल कर देता है। और इथों आके सुल्तान राय इंतकाम बन जाता है और जिहड़ा शिकरा आता है उसकी तलाश करता है। तंजीम हसन ने इस फिल्म के अंदर एक इंस्पैक्टर का किरदार अदा किया जिहड़ा उस ही पिंड दे विच आंदा है, उसका नाम शहबाज होंदा है। और शहबाज एक ईमानदार और फर्शनाज आफिसर होंदा है, उसकी कोशिश ये होंदी है कि वह शिकरे डाकू नू गिरफ्तार करे, लेकिन वो गिरफ्तार करने नाकाम होंदा है। और जो तारिक शाह होंदा है उसने डिप्टी शेर अफगन का किरदार अदा किया है, जिहड़ा कि चौधरी हाकम जिहड़ा सावन होंदा है उसका दोस्त होंदा है, और उन्हां दी हर बुरे काम की पुश्त पनाई करता है। अच्छा, सावन ने इस फिल्म के अंदर हाकम का किरदार अदा किया है, जिहड़ा कि उस पिंड का चौधरी होंदा है, और उसका यह होंदा है कि पिंड दियां जवान बच्चियां दी इज्जत लुटदा है, बंदे रखे होंदे जिहड़े चुक के लियांदे ने उन्होंने, और उन्हां दी इज्जत लुटदे ने। शहदा मिनी ने इस फिल्म के अंदर समीना का किरदार अदा किया, जिहड़ी कि चौधरी हाकम
सावन की धी आती है। रोशन उस पिंड का एक नौजवान होंगे जिदे नाल वो मुहब्बत करती है। और इस तरह तुम वेख्या होगा कि वह हर फिल्म में एक बच्ची होंगी जी विलन की भैन या धी होंगी और शहर जाती है उतु पढ़ के आती है और आके पिंड चो जरा देहाती नौजवान होंगे वे मुहब्बत करती है। और रोशन की जरा गुलाम मजीदीन नाम रोशन होंगे रोशन की एक भैन रजो होंगी है चौधरी आकम और रजो की इज्जत लेंदा और खूह भी सुट देंदा। और इस तू आके जो गुलाम मजीदीन सारी हकीकत पता चलती है क्योंकि वह गुलाम मजीदीन का जदू चौधरी आकम को पता चलता है कि जो गुलाम मजीदीन है वो धी मुहब्बत करता है गुस्सा आता है और जाके उदू जख्मी कर देंदा रोशन और रोशन जख्मी करके अपने तहखाने ले आंदा उन्हें बांध देंदा और दे सामने उसकी भैन की इज्जत लुटदा। और ये उस तरह तुम देखा कि जिस तरह आम इंतकाम और कतलो गारत की फिल्म है उसी तरह ही यह फिल्म है। इसके अंदर कोई नवी गल है नहीं है। चंद के गाने दे बहुत अच्छे हैं। अंजमन ने इस फिल्म के अंदर नूरी का किरदार अदा किया है जिड़ी असबे मामूल सुल्तान रही प्यार करती है और नूरी की जी माँ होंगी है बहार बेगम होंगी है। और बहार बेगम का जोड़ा खामद होंगे उसनों भी चौधरी हाकम ने कतल किया होंगे पर सबूत कोई नहीं होंगे वह कातल को पहचान नहीं सकती कातल उसके दोबारा मिलता नहीं। चौधरी हाकम आंदा वह पुलिस को बजदे आए उत्थे जांदा है और चौधरी जी नूरी की माँ होंगी बहार बेगम उन्होंने पहचान लेंदी है और नूरी नूं दसदी है कि तेरे प्यो का कातल मैं देख लिता है और उन्होंने पछाण लिता है उन्होंने दसदी है कि चौधरी हाकम तेरे प्यो का कातल है। और जोड़ा शहबाज होंगे शहबाज न लाइन आदर कर दिया जाता है क्योंकि वह शिकरे डाकू को गिरफ्तार नहीं कर सकता इस वास्ते उन्होंने लाइन आदर कर दिया जाता है। और जोड़ा शहबाज होंगे भेस बदल लेंदे और भेस बदल के वह दाढ़ी वगैरह रख के गंगवा बन जाता है एक मुजरम बन जाता है और मुजरम बन के वह सावन के कोल जाता है वो कोलों राज हासिल करता है। और इस तरह वह आके अपने डिप्टी शरफगन दसद कि यह देखो चौधरी हाकम है सारा जड़ा ना उसका पट्ठा बटा इस दे अंदर है। खैर जाते हैं और जाके उ छापा मारते हैं शरफगन जोड़ा होंगे इंस्पैक्टर शहबाज में हैंडसअप कर लेंदा है और कहता कि चाह ले और अपने बंदे नूं कहता कि हथियार सुट दो और जो हथियार सुट देंगे तो जोड़ा शरफगन होंगे तारिक शाह वह कहता कि असल जोड़ा डिप्टी है वह हमशक्ल होंगे तारिक शाह का डबल रोल है। उन्हें असल डिप्टी शरफगन नूं कैद किया होंगे और उन्होंने सामने लैके आंदा पिंजरे च और इस तरह जोड़ा वो पता चल जाता है कि सारे काम का जोड़ा कुछ बनाई है और डिप्टी शरफगन क्यों कर रहा है। बुलंदा तो रोशन दोनों मफरूर हो जाते हैं पुलिस उन्होंने पिछे आती है उन्होंने पीछा करती है नसते हैं भजते हैं और एंड तो आंदा है कि वह जोड़ा बुलंदा आंदा है वह शिकरे डाकू नूं मार देंदा है और पुलिस उन्होंने गिरफ्तार नहीं करती क्योंकि उन्हें एक अच्छा काम किया होंगे। और इस किस्म दहानियां तो बेशुमार फिल्म देखी होनी उस जोर दी फिल्म चल रही सन और यह फिल्म यूट्यूब पर मौजूद है तुम जाके वेख सकते हो। अगर तुम मेरी मालूमात अच्छी लगी हो मेरे चैनल लाइक करो सबसक्राइब करो तो शेयर करो तो नैक्सट वीडियो तक रब राखा।